गाबलो वन का राजा एक अजीब आदत का शिकार था। उसे नहाने से बड़ी चिढ़ थी। दिन बीतते, हफ्ते बीतते और फिर महीने बीत जाते, पर राजा शेर सिंह नहाने का नाम भी नहीं लेता था। उस दिन तो हद ही हो गई, जब जंगल के डॉक्टर वानर को लोगों ने गिरते पड़ते आते हुए देखा। वानर दो कदम चलता, फिर लड़खड़ाकर गिर जाता। बाप रे, इतनी बदबू, मेरी तो नाक ही सड़ गई। अभी तक रह रहकर बेहोशी छा रही है। अरे बस मैं अपनी क्लिनिक तक पहुंच जाऊं। डॉक्टर वानर को लड़खड़ाते गिरते पड़ते देखकर हाथी दादा को अजीब लगा। उसने पूछ ही लिया, क्यों डॉक्टर साहब, आपकी तो अपनी तबीयत ही खराब हो गई, तो दूसरों का इलाज कैसे करोगे? अरे हाथी दादा, मेरी हंसी मत उड़ाओ। तुम्हें पता नहीं है मैं क्या भुगत कर आ रहा हूँ। अगर मेरी जगह तुम होते ना, तो तुम तो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ते। अच्छा, भला ऐसे कौन से तीर चला कर आ रहे हो? ओहो सॉरी, आपसे तो पूछना चाहिए ऐसे कौन से इंजेक्शन चला कर आ रहे हो। अरे हाथी भाई, महाराज शेर सिंह ने बुलवाया था। उन्हें त्वचा पर कुछ समस्या हो गई थी और वो तो होनी ही थी। पता नहीं कितने साल हो गए होंगे महाराज को नहाए हुए। इतनी बदबू आ रही थी, मैंने नहाने की सलाह दी तो मुझे ही डांट कर भगा दिया। ओह, तो अपनी जान बचा कर भागे हो? अरे जान बची कहाँ, उस बदबू से तो नाक ही रुक गई। देख नहीं रहे हो, बार बार बेहोश हुए जा रहा हूँ। खुद को एक इंजेक्शन लगा लेता हूँ, नहीं तो क्लिनिक तक नहीं पहुँच पाऊंगा। डॉक्टर ने अपना बैग खोला, एक इंजेक्शन निकाला और खुद को ही लगा लिया। हाँ, अब ठीक है, अब कुछ तबीयत संभली मेरी। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर वानर की तबीयत कुछ ठीक हुई और वो संभल संभल कर अपने क्लिनिक की ओर बढ़ने लगे। वानर तो चला गया, पर हाथी दादा सोचने लगे, बात तो सही है, हमारे राजा ने तो ना नहाने का रिकॉर्ड ही बना दिया है। उनके शरीर से निकलने वाली बदबू दूर दूर तक फैलने लगी है। महाराज को किसी न किसी तरह नहलाना ही होगा। अगर मैं और मेरी बिरादरी वाले ये काम कर दें, तो जंगल में हमारा बड़ा नाम हो जाएगा। ये सोचकर हाथी दादा ने अपनी बिरादरी के तीन हाथियों को अपने साथ लिया और राजा शेर सिंह के पास पहुंच गए। शेर ने जब बिन बुलाए चार मेहमानों को देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं। किस लिए आए हो? महाराज के सारे बाल धुलकर साफ हों। क्या बकते हो? ओह माफ कीजिए महाराज, मैं कह रहा था कि महाराज का इकबाल बुलंद हो। वो तो तुम नहीं कहोगे तब भी होगा, अभी क्या कहने आए हो वो कहो। महाराज, हमने नहान सर्विस शुरू की है। नहान सर्विस, ये क्या है? जी महाराज, अगर किसी का मन नदी पर जाकर नहाने का नहीं है, तो उसे हम घर पर जाकर नहलाएंगे। बाकी हाथियों ने कहा, जी महाराज, हम अपनी अपनी सूंडों में पानी भर कर लाएंगे और फिर पानी की फुहारें निकाल कर उसे नहला देंगे। हम नदी में से वहाँ से पानी लेंगे जहाँ पानी सबसे साफ है। हमारी नहान सर्विस में नहाते हुए ऐसा लगेगा जैसे 5-स्टार होटल के फब्बारे चल रहे हों। जी महाराज, हमारी नहान सर्विस का पहला शावर हम आपकी सेवा में पेश करना चाहते हैं।
वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि आप हमारे महाराज हैं। मुझे नहलाने की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मेरे ऊपर पानी डालने की कोशिश की तो जो सबसे पहले अपनी सूंड से मेरे ऊपर पानी डालेगा, मैं उसकी सूंड काट डालूंगा। भागो, भागो। हाथी दादा की तरकीब भी काम नहीं आई। उनका नहान सर्विस वाला आइडिया फुस हो गया। चारों अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागे। सुघड़ उल्लू जंगल की खबरें अपने अखबार में छापा करता था। उसके रिपोर्टर ने उसकी मेज पर राजा के ना नहाने की रिपोर्ट रखी थी। सुघड़ उल्लू ने रिपोर्ट उठाई और पढ़ने लगा। जंगल के राजा शेर सिंह को नहाए 3 महीने हो गए हैं। उन्हें त्वचा रोग भी हो गया है। उनके शरीर से भयंकर बदबू आने लगी है। अभी बारिश का मौसम दूर है, पर बारिश हुई और महाराज अपनी मान में चले गए तो कैसे साफ होंगे? जंगल की भलाई के लिए अब राजा शेर सिंह को नहा लेना चाहिए। सुघड़ उल्लू ने रिपोर्ट एक तरफ रखी और सोचने लगा। छापूं कि ना छापूं, छापूं कि ना छापूं। छाप देता हूं, आखिर ये तो सारे जंगल की भलाई के लिए है। और सुघड़ उल्लू ने अपने अखबार के फ्रंट पेज पर ये खबर छाप दी कि राजा 3 महीने से नहाया नहीं। जब अखबार हाथी दादा के हाथ में पड़ा तो वो खुश हो गए। ये सुघड़ उल्लू ने अच्छा किया कि राजा के ना नहाने की खबर छाप दी। अब जब महाराज को पता चलेगा कि उनके ना नहाने की खबर तो अखबार में भी छप गई, तो वो जरूर नहाने के बारे में सोचेंगे ही। अपनी मांद के बाहर शेर गुस्से से गुर्राता हुआ बोला, ओ सुल्लू की ये मजाल, अपने राजा के बारे में ऐसी खबर छाप दी। अरे हम नहाएं या ना नहाएं, ये हमारा निजी मामला है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? शेर गुस्से में भर कर सुघड़ उल्लू के अखबार के दफ्तर पहुंचा और सारा दफ्तर तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया। मुझे नहलाने की बात करते हैं, मुझे कोई नहीं नहला सकता। अरे ये खुजली क्यों हो रही है मुझे? खुजलाते खुजलाते शेर सिंह परेशान हो गया, पर नहाने की फिर भी ना सोचता। डॉक्टर की सलाह ना मानने की सजा भुगत रहा था। डॉक्टर की सलाह तो माननी ही चाहिए, पर भला शेर सिंह को कौन समझाता? मिट्ठू तोते ने सोचा वो भी राजा को नहलाने के लिए कोई तरकीब लड़ा कर देखे। उसने हाथी दादा से सलाह की। हाथी दादा, मैंने बड़े बूढ़ों को कहते सुना है कि शादी के बाद बड़े बड़े सुधर जाते हैं। अगर हमारे राजा की शादी हो गई तो वो भी शेरनी के कहने पर नहाना शुरू कर देंगे। विचार तो अच्छा है, पर हमारे राजा से शादी करेगा कौन? साथ वाले वन के राजा की बेटी। मैं अभी अपने राजा को जाकर इस रिश्ते के बारे में बताता हूँ। कहकर मिट्ठू सीधा राजा शेर सिंह की मांद की ओर उड़ चला। उसने देखा राजा शेर सिंह मांद के बाहर बैठा जोर जोर से खुजलाए जा रहा था। मिट्ठू पास पहुंचकर बोला, महाराज की जय हो। छोटा मुंह बड़ी बात महाराज, पर अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। हमारे जंगल को युवराज शेर चाहिए, आपका उत्तराधिकारी। मिट्ठू की बात सुनकर शेर की आंखों में खुशी चमकने लगी। ये देखकर मिट्ठू समझ गया कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। महाराज, पास के जंगल के महाराज अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं।
मैं उड़कर जाता हूँ और उन्हें संदेशा पहुँचा देता हूँ। आप कल ही रिश्ते की बात करने के लिए निकल जाइए। अगली सुबह शेर बाजे गाजे के साथ शादी की बात करने चल पड़ा। आगे आगे जंगल के कई पशु तरह तरह के वाद्य बजाते हुए जा रहे थे, पर शेर से दूरी बनाए हुए थे। शेर के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध को अपनी अपनी नाक बजाए वो तेजी से बढ़े जा रहे थे। जैसे ही पूरा दल दूसरे जंगल पहुंचा, तो जैसे आफत ही आ गई हो। जहां जहां से शेर सिंह गुजरता, पशु पक्षी दुर्गंध से बेहोश होकर गिर जाते। आखिर शेर सिंह दरबार में पहुंचा, पर वहां कोई नहीं था। उसके शरीर से निकलने वाली दुर्गंध से घबराकर उस जंगल का राजा और उसकी बेटी दूर भाग गए थे। शेर सिंह मुंह लटकाए अपना शरीर खुजाते खुजाते वापस आ गया। जंगल के जानवरों को ये पता चला तो उन्होंने एक मीटिंग की। बुलबुल ने कहा, मैंने सोचा है कि मैं नहाने के ऊपर एक गीत बनाऊंगी। मेरी मीठी आवाज में गीत सुनकर राजा जी नहाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। नहाने से होता है शरीर हमारा साफ, अकेले नहाएं या किसी के संग साथ। जैसे ही तुम्हारे मुंह से नहाना शब्द निकला, महाराज तुम्हें चीर डालेंगे। अरे बाप रे, फिर तो मैं नहाने की बात ही नहीं कहूंगी। हमारा आइडिया पहले ही फेल हो चुका है। लगता है पिंटू खरगोश, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। मेरे परदादा जी ने एक बार तपके शेर जी से कुएं में छलांग लगवा दी थी। अगर मैं अपने राजा जी से नदी में छलांग लगवा दूं तो कैसा रहे? ये अच्छा रहेगा। हम चारों हाथी किनारे पर पहले से तैयार रहेंगे, उन्हें डूबने नहीं देंगे, फौरन निकाल लेंगे। बस योजना के अनुसार पिंटू राजा शेर सिंह के पास पहुंच गया। महाराज, आपका वो दुश्मन शेर हमारे राज्य की नदी तक आ पहुंचा है और नदी में छिपकर बैठा है। कह रहा है रात होते ही हमला करेगा और हमारे राज्य पर कब्जा कर लेगा। उसकी ये मजाल, तुम मुझे बताओ वो कहाँ छिपा है, उसे तो मैं देखता हूँ। आइए महाराज, आइए। पिंटू शेर सिंह को लेकर नदी के किनारे पहुँचा और बोला, महाराज यही अंदर छुपा बैठा है, आप खुद देख लीजिए। जैसे ही शेर ने नदी में झांका, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वो गुस्से में गुर्राया, तो तू है, अभी बताता हूँ तुझे। ये कहकर शेर ने नदी में छलांग लगा दी और छपाक छपाक की आवाज के साथ उसका शरीर साफ होने लगा। हाथी दादा अपने साथियों के साथ पहले से तैयार थे। उन्होंने अपनी सूंडों से पकड़कर शेर सिंह को नदी से निकालकर किनारे पर खड़ा कर दिया। पानी से निकलकर कुछ अच्छा सा लग रहा है, खुजली भी खत्म हो गई है। महाराज, आपका स्नान हो गया है, आपका शरीर साफ हो गया है। हाँ महाराज, अब आपकी शादी आसानी से हो जाएगी। मैं कल ही दोबारा संदेशा पहुंचाता हूँ। शेर शेरनी सजे धजे हैं, सभी जानवर नाच गा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। महाराज को शादी मुबारक हो। सुघड़ उल्लू से बोलो कि जंगल टाइम्स में हमारा आदेश छाप दे। सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह जरूर माने। जो आज्ञा महाराज।